हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2024, और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से, जहां पर अब रिपोर्टेडली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जिन 4 प्लेयर्स को रिटेन करने का फैसला लिया है, इन प्लेयर्स के लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है संजू सैमसन का, इनके साथ ही नाम आता है रियान पराग का, तीसरे प्लेयर के तौर पर हमें संदीप शर्मा का नाम देखने को मिलता है, और चौथे प्लेयर के तौर पर हमें नाम देखने को मिलता है ट्रेंट बोल्ट का। रिपोर्टेडली अभी तक अगर अनकैप प्लेयर्स के बारे में बात की जाए तो अनकैप प्लेयर के बारे में ये टीम अभी भी डिसाइड कर रही है, क्योंकि रियान पराग भी अनकैप प्लेयर नहीं रहे, भारत की टीम में वो डेब्यू कर चुके हैं, वरना वो अनकैप प्लेयर के तौर पर रिटेन हो जाते। तो ऐसे में इन 4 प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स की टीम मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन कर चुकी है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत और श्रीलंका के बीच में चल रही सीरीज को लेकर, जहां पर सीरीज का पहला मुकाबला में टाई होता हुआ नजर आया था। भारत की टीम ने जीता हुआ मुकाबला टाई करवाया था, और कल तो भारत की टीम उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई, क्योंकि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने के बावजूद भारत की टीम श्रीलंका से हार गई। श्रीलंका का टारगेट भी कोई इतना भी बड़ा नहीं था, भारत की टीम को सिर्फ 240 रन चेज करने थे, लेकिन भारत की टीम के 97 रन पर कोई विकेट नहीं था। लेकिन रोहित के विकेट के गिरने के बाद भारत ने अपने 10 के 10 विकेट सिर्फ 103 रन के अंतराल पर ही गवा दिए, और 200 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो इस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है जैसे कि ओडीआई क्रिकेट में हम बेस्ट टीम नहीं बल्कि दुनिया की 7वें 8वें नंबर की टीम हो। तो ऐसे में अब जो तीसरा मुकाबला है, अगर भारत जीत भी जाती है तो भी सीरीज मैक्सिमम बराबर ही होगी, लेकिन अभी तो डर यह है कि श्रीलंका की टीम इस सीरीज को जीत भी सकती है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है एक डीआरएस कंट्रोवर्सी जो कि हमें देखने को मिली है विराट कोहली के डिसमिसल को लेकर। जब कल विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और वो 6 गेंद पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे, तो उस दौरान विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। लेकिन इसके बाद श्रीलंका की टीम की साइड से साफ पता चल रहा था कि विराट कोहली आउट हो चुके हैं। विराट कोहली भी बिल्कुल श्योर नहीं थे कि उन्हें रिव्यू लेना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन इसके बाद विराट ने जब रिव्यू लिया तो बाद में हमें पता चला कि गेंद उनके बल्ले पर जाकर लगी थी। जैसे ये रिव्यू आया तो श्रीलंका की टीम काफी शॉक्ड रह गई। श्रीलंका के हेड कोच सनत जयसूर्या, उनके प्लेयर्स हमें काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आए, मानो कि वो थर्ड अंपायर को ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है। हालांकि विराट कोहली ने मैच विनिंग पारी तो नहीं खेली, तो इस डिसीजन की ज्यादा वैल्यू नहीं बनी, लेकिन अगर विराट कोहली इस मैच को जिता देते तो ये शायद काफी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन होता। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से विराट कोहली आउट थे या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रविचंद्रन अश्विन की साइड से, जहां पर अभी करेंटली रविचंद्रन अश्विन हमें अपनी टीम को टाइटल जिताते हुए नजर आ चुके हैं टीएनपीएल का, जहां पर ना सिर्फ बल्ले के साथ बल्कि गेंदबाजी के साथ भी रविचंद्रन अश्विन ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। और जैसा कि आज की पहली अपडेट में हमने आपको बताया था कि राजस्थान रॉयल्स की मोस्ट प्रोबेबली जो रिटेंशन लिस्ट है उसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम नहीं होगा, तो ऐसे में अगर इनका नाम उस रिटेन लिस्ट में नहीं आता है तो अश्विन ने पहले भी कहा है कि ये सीएसके की टीम में रिटर्न करना चाहते हैं, और जिस भी साल सीएसके की टीम में इनका रिटर्न होगा वो इनका आईपीएल में आखिरी साल होगा। तो ऐसे में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी सीएसके के होमकमिंग के लिए रविचंद्रन अश्विन की बनती हुई नजर आ रही है। अगर इस बार मेगा ऑक्शन होता है और राजस्थान इनको रिलीज करती है तो काफी हाई चांसेस बनते हैं कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम में शामिल करने वाली है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर की साइड से, जहां पर बेंगलोर में अब हमें एक नया एनसीए एस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिलने वाला है। दरअसल करेंटली देश में हमें एक ही एनसीए देखने को मिलता था, जहां पर कई बार ओवरक्राउड हमें प्लेयर्स नजर आते थे क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स साल में इंजर्ड होते हैं। तो ऐसे में अब एनसीए को बेंगलोर में भी शिफ्ट किया गया है, जहां पर इस एनसीए में 45 प्रैक्टिस पिचेस हमें देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही यहां पर इंडोर क्रिकेट पिचेस की फैसिलिटी भी रहेगी, ताकि गर्मियों में प्लेयर्स हमें अंदर परफॉर्म करते हुए नजर आ पाए। इसके साथ ही यहां पर ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा, जिससे प्लेयर्स की रिकवरी अच्छे से हो। स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज भी हमें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही न्यूट्रिशन को लेकर भी, और इवन यहां पर कुछ किचन भी स्टेबलाइज किए जाएंगे, जहां पर प्लेयर्स की डाइट वगैरह का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें एक और नया एनसीए बेंगलोर में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर पीवीकेएस की साइड से हमें अपडेट देखने को मिल रही है इनके कप्तान शिखर धवन को लेकर। पीवीकेएस ने लास्ट ईयर शिखर धवन को अपना कैप्टन बनाया था, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि शिखर इसीलिए कैप्टन बनाए गए थे क्योंकि पीवीकेएस के पास और कोई कैप्टनसी मटेरियल नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम अपने कैप्टन को लेकर काफी सारी टीमों के साथ बातचीत में चल रही है, काफी सारी टीमें जिन भी प्लेयर्स को रिलीज करते हुए नजर आने वाली हैं उन सभी प्लेयर्स के साथ साथ ये ट्रेड को लेकर भी और इवन मेगा ऑक्शन को लेकर भी लगातार बातचीत कर रही है। तो ऐसे में अब इन्होंने शिखर धवन को अपनी कैप्टन
कैप्टनसी की पोस्ट से हटा दिया है, यानी कि साल 2025 के लिए शिखर धवन आपको पीबीएस की टीम में कैप्टनसी करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और शिखर धवन के बदले नया कैप्टन कौन बनेगा ये तो मेगा ऑप्शन, या फिर अगर कोई प्लेयर ट्रेड डील में इनके साथ बातचीत में है तो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए पीबीएस की टीम के पास अब कोई भी कैप्टन अवेलेबल नहीं है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से। एमआई की टीम इस साल उन टीमों में से एक है जिनमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स हमें रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं, और अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम में ऑलरेडी 17 प्लेयर्स रिलीज हो चुके हैं। हालांकि एमआई की ऑफिशियल लिस्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 17 प्लेयर्स तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये फाइनल रिलीज लिस्ट नहीं है, यानी कि 17 प्लेयर के बाद भी मुंबई इंडियंस की टीम में और भी प्लेयर्स रिलीज होने वाले हैं। अब अगर हम मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देखें तो वहां पर 24 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, तो 17 अगर आप निकाल दें तो 7 ही प्लेयर बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर और भी प्लेयर्स निकलने की उम्मीद है तो फिर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के जो 7 काफी बड़े प्लेयर्स हैं उनमें से भी कुछ लोग एमआई की टीम को छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।